नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज आलम। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पर, जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी क्या मांगे हैं, वहीं आपको हम पीछे इन तस्वीरों में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह, मोहम्मद अरवाल संयोजक, कन्हैयापाल पांडे जी का हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर प्रदेश महामंत्री जिस तरीके से लगातार सबके सहयोग से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें क्या मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम उनसे सभी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वो मांगे हैं। इन सभी बातों पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे साथ कन्हैया कुमार पांडे जी, हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं कन्हैयालाल पांडे। मांग जी, क्या आपकी मुख्य मांग है जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, परिवहन निगम में लगभग 40,000 संविदा चालक परिचालक और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत, जो लगभग 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इस आज के साथ में दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे परिवहन निगम में जो भी चालक परिचालक और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं उनके बारे में कुछ सकारात्मक पहल करेगी। देखते देखते जब इनको ये लगा कि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही, चूँकि परिवहन निगम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं इनका मुख्य ध्येय है चालकों परिचालकों का शोषण करना। आप देखिए, भारतीय संविधान में सबके लिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक कानून है, समान कानून है, लेकिन परिवहन निगम हमारा उस कानून को मानता है नहीं, इनका अलग का कानून है। आप देख लीजिए, जो जैसे डबल क्रू की सेवाएं हैं हमारी, उस पर डबल ड्राइवर चलते हैं, क्योंकि नियमित चालकों को 5500 किलोमीटर प्रति माह देना पड़ता है, तब उनका वेतन एलिज होता है। तो एक बस पर अगर दो ड्राइवर जा रहा है, एक संविदा का है एक रेगुलर है, अगर मान लो दिल्ली जा रहा है तो उसको 1100 किलोमीटर तो पूरा मिला नियमित को, लेकिन संविदा को 550 दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? भेदभाव, आपका कहने का मतलब भेदभाव संविदा और रेगुलर में हो रहा है? भेदभाव पूरी तरह। दूसरी तरफ देख लीजिए आप कि जैसे 50% की बाध्यता है, अगर वहीं नियमित परिचालक 20% लाभ, उससे कोई कटौती नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन अगर संविदा का चालक और परिचालक अगर 50% से कम जा रहा है तो उसके वेतन से 2300 रुपये कटौती की जा रही है। पांडे जी, क्या ऐसा जो संविदा का बॉन्ड भरवाया गया था उसमें क्या ऐसा कोई बिंदु दर्शाया गया है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जो हमारे बॉन्ड भराए गए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं, केवल ये भारत उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये हम कम शब्दों में कहेंगे तो ये शोषण करना नहीं है चालक परिचालकों का, कि आपके बॉन्ड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है और प्रतिवर्ष वो बॉन्ड भरवाया जाए? मैं यही बात तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि चिराग तले अंधेरा, जो एक मुहावरा है, चिराग तले अंधेरा, आपके राज्य में और आपकी सरकार में हमारे परिवहन निगम के अधिकारी उत्तर प्रदेश के 40,000 संविदा चालकों और परिचालकों का शोषण कर रहे हैं और ये संविधान को न मान करके अपना संविधान चला रहे हैं। इसीलिए संविधान पहले आपने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को परिवहन निगम के आला अधिकारियों एमडी तक आपने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया? मैंने 2012 में किया, 2017 में किया, 2021 में किया, अभी इस पिछले महीने मैंने इसी महीने 8 तारीख को गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह करके मैंने अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय परिवहन मंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि हमारे अधिकारी ये उत्तर प्रदेश सरकार तक गलत सूचनाएं दे करके केवल संविदा चालक परिचालक का शोषण कर रहे हैं। आज जो पूरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर संविदा चालक परिचालक आए हैं, आज जो सैकड़ों की संख्या में हम देख भी रहे हैं, तो मुख्य मांगे क्या है आप? देखिए, हमारे परिवहन निगम में एक व्यवस्था है कि इनका 35% कोटा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित किया गया है। मैं अलग से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो सरकार की गाइडलाइन है, जो परिवहन निगम की गाइडलाइन है, मैं उसी के अनुरूप मांग रहा हूँ। जो आपने कोटा निर्धारित किया है, जो आपके पास वैकेंसी है, क्योंकि हमको 20 वर्ष हो गए, बुढ़ापा आ गया, किसी का 10 साल नौकरी बची है, किसी की 5 साल बची हुई है, तो कम से कम हम अपने घर जाएं तो कम से कम नियमित की उपाधि लेकर के जाएं। इस आशा के साथ जो आपने कोटा निर्धारित किया उसके तहत जो आपके पास वैकेंसी है उतने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको एक साथ नियमित कर दिया है, जो आपके पास वैकेंसी है उतने लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाए। जो शेष बच रहे हैं, अभी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के लिए एक न्यूनतम वेतनमान व्यवस्था प्रणाली जो लागू की है, हम केवल उसी को मांग रहे हैं, जो आप दे रहे हैं केवल उस पर लागू करिए, उसी मांग को लेकर के आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पांडे जी, अभी झूठा आश्वासन हमारे ख्याल से फिर दिया गया था कि जो मृतक आश्रित थे उनको भी अभी तक जी आप ये देख लीजिए कि जो कर्मचारी मेरे यहाँ कार्यरत था, वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत है उसको कम से कम 55 से 60 हज़ार वेतन मिल रहा है। वो कर्मचारी अगर दुर्भाग्यवश खत्म हो गया है, असमय उसकी मृत्यु हो गई है, वो पद भी खाली है,
वो बजट भी खाली है। अगर वो जिंदा होता और नौकरी करता तो क्या आप उसको वेतन नहीं देते, जबकि उसको 60,000 देते। और अगर जो वर्तमान में अगर उसके मृतक आश्रित को नौकरी देंगे तो आप 26,500 देंगे। एक वेतन में दो बच्चों को नौकरी मिल जा सकती है, लेकिन तभी ये परिवहन निगम, जैसा कि आपने बताया आपकी उम्र लगभग परिवहन निगम में बीती है, तो कुछ समय पहले परिवहन निगम का आदेश हुआ था कि 2001 तक जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको रिक्वायर कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी माननीय मुख्यमंत्री जब 2017 में शपथ ग्रहण किए हैं उन्होंने शासनादेश किया था कि जो 96 से 2001 के जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कर दिया। सभी विभागों में हो गया लेकिन परिवहन निगम में आज भी नहीं हुआ। अब देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा कितनी हट धर्मता के साथ की जा रही है, केवल सह पर ऐसा किया जा रहा हो ये तो मुख्यमंत्री, हमारे जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं वो स्वयं के न्यायाधीश हैं, क्योंकि जब वो न भारतीय संविधान को मानते हैं न माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को मानते हैं तो सर्वोपरि वो अपने को ही मानते हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए क्या प्रशासन की तलवार मिलनी चाहिए? इसीलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जब ये आपके आदेश का अवहेलना कर रहे हैं तो ये हमारा कितना शोषण करते होंगे इसकी परिकल्पना आप खुद कर सकते हैं। ये धरना प्रदर्शन जो आपका चल रहा है लगभग कब तक चलने वाला है? कुछ आज हम 3 बजे तक जो हमने लिखित रूप से दिया है वो 3 बजे तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और 3 बजे जो भी संबंधित अधिकारी आएगा ज्ञापन दिया जाएगा और अगले कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी वो माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की जाएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें अगले कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय परिवहन मंत्री जी जो हमारे विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं उनको दंडित करते हुए मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कन्हैयालाल पांडे का जिस तरीके से कहना कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 1,000 से अधिक लोग यहाँ पर संविदा चालक परिचालक आ चुके हैं, उन सभी लोगों का जिस तरीके से अगर हम बात करें पांडे जी की तो उन्होंने सीधे कहा है कि आज 3 बजे तक अगर हमारी आवाज़ हमारी इस न्याय की गुहार को माननीय मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाएगी जिस पर बिल्कुल उनका विश्वास है, दृढ़ निश्चिता है उनकी कि उन पर विचार किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता जो उनकी मांगे हैं तो हो सकता है कि उसके बाद में कोई और अगला कदम उठाया जाए। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ तबरेज़ आलम लखनऊ।